आज दीपक अग्रवाल जिला अध्यक्ष उद्योग प्रतिनिधि मंडल मुरादाबाद से, जहां उन्होंने बताया कि CAA के संबंध में लोगों को गलतफहमी हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो कि लोगों को गुमराह कर रही हैं और जनता को गलत संदेश देकर उन्हें भड़का रही हैं कि लोगों से उनकी नागरिकता छीन ली जा रही है। जो लोग ऐसा संदेश जनता को दे रहे हैं, वहीं उनका कहना है कि माननीय मोदी जी व माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है। सरकार की ओर से एक प्रस्ताव पास किया है कि कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर CAA के बारे में लोगों को समझाएं, लेकिन कुछ समझदार लोगों व नेता लोग ऐसे हैं कि एक दो घरों में जाकर फोटो खींचकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जागरूक करके आ गए हैं। ऐसे महान भावों से हमें बहुत दुख है। मुरादाबाद से जग्गू भोरा की रिपोर्ट। जाना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा, उन्हें समझाना होगा कि ये CAA बहुत बढ़िया चीज है, इससे आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप भारतीय नागरिक बन जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं कि वो नागरिक नहीं बनेंगे, वो सेंट परसेंट नागरिक बनेंगे। और सिर्फ उन्हें इस बात को समझाना है, वो किसी राजनीतिक प्रेशर में ना आए, किसी लोगों के भ्रम में ना आए। और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस देश के हर भारतीय के लिए बहुत अच्छा करेंगे, हर हिंदुस्तानी के लिए अच्छा करेंगे, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। जय हिंद, जय भारत। सर, ये जो लोग कह रहे हैं, जो गलत फहमी फैला रहे, क्यों ऐसा कौन कर रहे होंगे सर? ये सिर्फ एक राजनीतिक वजह से कर रहे हैं और CAA में बाकी एक रजिस्टर्ड हो रही है चीज, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, सिख है, चाहे ईसाई है। हाँ, कुछ देशों के अल्पसंख्यक जो कि वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं और हमारे बांग्लादेश में पाकिस्तान के यहाँ के हैं, उन्हें हम रजिस्ट्रेशन जरूर दे रहे हैं, उससे किसी का कोई नुकसान नहीं है और उससे उनकी जिंदगी सेफ हो रही है। और वही लोग हमारा पहले अंग रहे हैं और अंग रहेंगे।